नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर की गढ़ा पुलिस ने सट्टा पट्टी लिखने वाले एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है, जबकि एक सटोरिया भागने में सफल हो गया है। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी नीतीश दोहर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एकता चौक के पास दो व्यक्ति अवैध रूप से रुपए का दाव लगाकर सट्टा पट्टी लिख रहा है। पुलिस मौके पर जाकर दबिश दी। दबिश में गढ़ा थाने का शातिर सटोरिया बलराम केवट और अन्य व्यक्ति सट्टा पट्टी लिख रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर जब आरोपियों को पकड़ना चाहा तो उसमें दोनों आरोपी भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी उमेश झारिया को पकड़ लिया, जबकि बलराम केवट भाग गया। पुलिस पकड़े गए आरोपी उमेश झारिया के पास से 6 नग सट्टा पट्टी और 8,300 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने सट्टा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, सट्टे के व्यापार में छापामार कार्रवाई की है, क्या कुछ मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, अवैध व्यापार में लिप्त हैं, सट्टा खिला रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में CSP गढ़ा सर के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था, और कल एकता चौक से एक सट्टे की कार्रवाई की है, जिसमें उमेश झारिया को सट्टा पट्टी लिखते हुए पकड़ा है, जिसके कब्जे से पेन और 8,300 रुपये बरामद किए हैं। इसके साथ बलराम केवट जो मौके पर पुलिस की के आने का आभास पाकर वहां से निकल गया, भाग गया, जो फरार है, एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है इसमें, और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।